आपका स्वागत है हिंदुस्तान के एक लेजेंडरी इंस्टीट्यूशन में और इसका नाम है मेयो कॉलेज। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ द मेयो कॉलेज लेफ्टिनेंट जनरल एस एच कुलकर्णी। थैंक यू सो मच सर हमारी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, आप आए, हमें बड़ी खुशी है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ये जहाँ पे खड़े हैं, इतनी ब्यूटीफुल साइट ये है, ये सामने स्टैचू, इतना इम्पोजिंग स्ट्रक्चर पीछे, तो मेयो कॉलेज की हिस्ट्री कब शुरू होती है, ये स्कूल कब शुरू हुआ था और इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बताइए। स्कूल तो शुरू हुआ था 1875 में, लेकिन 1870 में जो इंडिया के उस समय वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, उनकी ये कल्पना थी कि जो राजस्थान के जो राजा महाराजा हैं उनके बच्चों के लिए एक राजकुमार कॉलेज की स्थापना की जाए जिसमें वो आके पढ़ सकें और अपने आगे के कामकाज के लिए तैयारी कर लें। और ये जो बिल्डिंग है, ये हमारा मेन बिल्डिंग है, मार्बल की बनी हुई है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये वही रॉ मार्बल है जो कि ताजमहल में यूज़ किया गया था। अरे बाप रे, उसी तो, खान से लिया है। वाह, फैंटास्टिक। ठीक है, ताजमहल बना था लव के लिए और ये बना है लव ऑफ लर्निंग के लिए, तो इट्स फैंटास्टिक। जैन साहब, आई एम एन इटर्नल स्टूडेंट, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं बहुत सालों से ये पूछना चाह रहा हूँ किसी से, है तो ये स्कूल लेकिन नाम है इसका मेयो कॉलेज, क्या कारण है इसका? जब ये पहले इसकी स्थापना हुई थी जी, उस समय एक स्कूल सेक्शन होता था और एक कॉलेज सेक्शन होता था। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि एक ही इंस्टीट्यूशन में स्कूल और कॉलेजेस इकट्ठा नहीं होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में भी मंत्रालय में स्कूल एजुकेशन अलग देखा जाता है जी, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन अलग देखा जाता है जी। तो लेकिन नाम की वजह से हमारी जानकारी है सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेश में भी जी, तो इसलिए वो नाम अभी भी चल रहा है। तो सर, इतने इतने साल हो गए हैं अभी, ऑब्वियसली मोर देन अ सेंचुरी, मच मोर, तो इतने सालों बाद भी मेयो कॉलेज जो है एक अपना स्टैंडर्ड बनाए रखे है, सबसे लीडिंग स्कूल जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में उनमें से एक माना जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको आपकी क्या विचार है इस बारे में? सबसे पहला कारण है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो एक बहुत मजबूत फाउंडेशन पे हुई थी, और उस समय जो आज नई एजुकेशन पॉलिसी में बात हो रही है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, सिर्फ जो किताबों की पढ़ाई ना हो, बाकी हर चीज़ की जानकारी हो, खेल कूद की जानकारी हो, ये जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से स्कूल में चल रहा है। और आप देखेंगे कि इतने सारे यहाँ ग्राउंड हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास 4 ग्राउंड हैं क्रिकेट के लिए जो कि तमाम टर्फ पिच वाले ग्राउंड हैं। जब आप जाके देखेंगे आपको 12-13-14 क्रिकेट नेट्स दिखेंगे, 2 स्विमिंग पूल हैं, घुड़सवारी के लिए हमारे पास 60 से ज़्यादा घोड़े हैं, एक 9 होल का गोल्फ कोर्स है, शूटिंग रेंज है, पोलो की सिखलाई हम देते हैं। तो इस वजह से रोज बच्चे 2 से 2.5 घंटे गेम्स खेलते हैं रोज, और हम समझते हैं कि बढ़ती उम्र में ये बच्चों के भलाई के लिए बहुत अच्छी बात है और आगे के लिए अच्छी बात है। तो ये जो फाउंडेशन था, एक जिसको बोलते हैं एक वेल राउंडेड एजुकेशन, यस, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है हर टाइम पर। हाँ, और ये अभी नई बात नहीं है, ये जब से स्कूल शुरू हुआ है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट है स्कूल में किसी को डालने के लिए? कि माय फ्रेंड इज वेल राउंडेड, बट इनकी एजुकेशन बिल्कुल वेल राउंडेड नहीं थी, तो कुछ अगर ये करना चाहता है जिंदगी में तो इसको हम मेयो कॉलेज में भर्ती कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं कि जो हमारे पास स्कूल में नन्हे उम्र में आए लेकिन स्कूल के से निकलते समय वेल राउंडेड हो जाए, ना है कि वेल राउंड में लाके हम फिर उनको हम छोटा सा करें। बहुत खूब सर। तो आपका फेवरेट एरियाज कौन से हैं स्कूल के? मेरा दिल तो हमेशा स्पोर्ट्स में ही रहा था जब मैं स्कूल में था जी। जो क्लास में हम पढ़ते थे वो हमें याद नहीं है, कि क्लास के बाहर जो कुछ हमने सीखा वो आज तक याद है। और सबसे बड़ा लेसन जो आज भी हमें याद है और जो आज भी मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि नेतागिरी मत सीखो, नेतृत्व सीखो, लीडरशिप सीखो, एंटाइटलमेंट मत सीखो, और अगर आप दूसरों के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हो तब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, सिर्फ अपने लिए मत करो। बहुत बढ़िया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका स्कूल वाकई मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्कूलों में से ज़रूर एक होगा, तो आपने समय निकाला, धन्यवाद। थैंक यू।